नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अरविंद आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सिविल टिप चैनल में। तो फ्रेंड, मैं आपको आज पेंट के बारे में बताऊंगा जो एज ए गुड सिविल इंजीनियर आपको पता होने चाहिए। तो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे पेंट के बारे में। पेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो पेंट जो है अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम पेंट जो होता है यूज्ड इन हॉट वाटर पाइप एंड गैस टैंक। गैस की टंकियां होती है और गर्म पानी के पाइपों में एल्यूमिनियम पेंट का यूज किया जाता है। उसके बाद में है दोस्तों एंटी कोरेसिव पेंट जो होते हैं दोस्तों, एंटी कोरेसिव पेंट उसका जो यूज होता है वो होता है रजिस्ट करता है कोरेशन को। संक्षारण जो होता है, जंग लगती है, उसको रोकने का काम करता है एंटी कोरेसिव पेंट। उसके बाद में दोस्तों तीसरा देखते हैं बिटुमन पेंट जो होता है वो पानी को रोकता है। किसको रोकता है दोस्तों? पानी को रोकता है। और उसके बाद में सेलुलोज पेंट की बात करें, सेलुलोज पेंट जो होता है वो हाई फायर रेजिस्टेंस होता है। प्रतिरोध क्षमता जो होती है अग्नि की वो ज़्यादा होती है, अग्नि को ज़्यादा रोक सकता है, हाई फायर रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद में दोस्तों हम प्लास्टिक पेंट की बात करते हैं। प्लास्टिक पेंट का यूज डेकोरेटिव वर्क में किया जाता है, सुंदरता वाले जो कार्य होते हैं वहाँ पे किया जाता है। डेकोरेटिव वर्क में प्लास्टिक पेंट का यूज किया जाता है। एस्बेस्टोस पेंट की बात करें तो ये फायर रेजिस्टेंस इसका मैक्सिमम होता है। जहाँ पे फायर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो वहाँ पे एस्बेस्टोस पेंट में यूज़ किया जाता है भट्टियों वगैरह में। ठीक है दोस्तों, अब इनिमल पेंट की बात करें। इनिमल पेंट जो होते हैं वो ग्लोजी फिनिश देते हैं, ग्लास ग्लोजी फिनिश देते हैं। यूज्ड इन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी और आंतरिक सरफेस दोनों पर यूज किया जाता है इनिमल पेंट का। चाहे वो गर्म कंडीशन में हो या कोल्ड कंडीशन में हो, किसी भी एनवायरनमेंट में हो, उसका इंटरनल या एक्सटर्नल सरफेस में यूज किया जाता है जो कि ग्लोजी फिनिश देता है। उसके बाद में दोस्तों बहुत जनों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि पेंट बनता कैसे है, किससे बनता है, क्या क्या उसमें मिलाते हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जो होता है बेस होता है, उसके बाद में दूसरा होता है फिलर होता है, और पिगमेंट होता है तीसरा, और चौथा होता है व्हीकल, पाँचवा होता है सॉल्यूएंट, छठा होता है ड्रायर। तो इसका क्या क्या यूज है हम सभी के बारे में एक एक बात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस। दोस्तों ये बेस जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं अलग अलग काम के लिए। बेस जो होता है रेड लेड होता है, यूज्ड एज ए बेस इन पेंटिंग ऑफ मेटालिक सरफेस। धातु की सतह पर पेंटिंग करने के लिए रेड लेड का यूज किया जाता है। और दूसरा देखते हैं हम वाइट लेड का यूज टिम्बर सरफेस पे किया जाता है। जो वुड सरफेस होती है, टिम्बर सरफेस होती है, जो लकड़ी का कार्य होता है वहाँ पे वाइट लेड का यूज किया जाता है बेस के रूप में। उसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं आयरन ऑक्साइड का यूज जो होता है वो मेटालिक सरफेस पे प्राइमर कोटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जो धातु की सरफेस है उस पर पहले जो रद्दा चढ़ाते हैं उस पर, तो उसके लिए आयरन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम फिलर या एक्सटेंडर की बात करें, फिलर को एक्सटेंडर भी बोलते हैं, जिसका उपयोग जो होता है टू इंक्रीज मास एंड वॉल्यूम ऑफ पेंट एंड रिड्यूस कॉस्ट। मास जो द्रव्यमान होता है और उसका जो आयतन होता है पेंट का, उसको बढ़ाने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए इस फिलर और एक्सटेंडर का यूज किया जाता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे फिलर और एक्सटेंडर कौन कौन से यूज किए जाते हैं। एल्यूमिना किया जाता है, मैग्नीशियम किया जाता है, सिलिका, कोल, जिप्सम, बेरियम सल्फेट, ये सभी जो है वो फिलर के रूप में यूज किए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे पिगमेंट का जो यूज होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड कलर टू पेंट। जो पेंट होता है उसको कलर प्रोवाइड करवाने का काम करता है, जिसमें एग्जांपल देखेंगे हम येलो कलर किससे होगा, ग्रीन कलर किससे होगा, वाइट कलर किससे होगा, क्या मिलाने पर कैसा कलर होगा। तो येलो कलर जो है वो जिंक क्रोम मिलाने पर होता है, ग्रीन कलर जो होता है क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने पर होता है, वाइट कलर जो होता है वो दोस्तों जिंक ऑक्साइड मिलाने पर होता है। व्हीकल जो होता है इसका जो उपयोग होता है वो सतह पर पेंट अच्छी तरह से चिपक जाए और ये पतला गोल बनाता है।
व्हीकल जो सामान्यतः यूज करते हैं वो लिसेंड ऑयल यूज करते हैं, अलसी का तेल होता है दोस्तों। व्हीकल जो होता है वो लिसेंड ऑयल यूज करते हैं, अलसी का तेल होता है। ऑयल पेंट में जो व्हीकल होता है वो अलसी का तेल ही होता है। और एनिमल पेंट की बात की जाए, एनिमल पेंट की बात की जाए तो व्हीकल जो होता है वो होता है वार्निश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं सॉल्वेंट या थिनर की। सॉल्वेंट और थिनर का काम करता है, जो काम करता है पेंट में विस्कोसिटी को कम करना, जो गाढ़ापन होता है उसको कम करने का काम जो होता है वो सॉल्वेंट या थिनर करता है। जिसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम दोस्तों, नेफ्था स्पिरिट और टारपिन ऑयल। नेफ्था स्पिरिट और टारपिन ऑयल मिलाया जाता है सॉल्वेंट के रूप में, जिससे जो है विस्कोसिटी कम हो जाती है, पेंट की विस्कोसिटी गाढ़ापन जो होता है वो कम हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे ड्रायर जो होता है वो हेल्प करता है रिड्यूस ड्राइंग ऑफ द पेंट, जो है सुखाने में हेल्प करता है पेंट को, तेज़ी से सुखाने में ड्रायर का यूज़ किया जाता है, जिसमें कोबाल्ट और लेड एसीटेट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट और लेड एसीटेट का यूज किया जाता है। ड्रायर इज 8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट, जो कुल आयतन होता है पेंट का उसका 8% होता है ड्रायर, ठीक है दोस्तों। कुल कितना होता है? 8% होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट का, 8% होता है। बहुत बार दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार ये दोस्तों पूछा जाता है कि ड्रायर जो होता है उसकी जो मात्रा है वो कितनी होती है, वो दोस्तों 8% होती है। किसकी? टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंट की 8% जो होती है वो ड्रायर की मात्रा होती है। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे पुट्टी जो होती है दोस्तों, पुट्टी जो होती है वो किसकी बनी होती है? चौक पाउडर और लो रिसेंट ऑयल की बनी होती है। कच्चा अलसी का तेल और चौक पाउडर की जो है वो पुट्टी बनी हुई होती है दोस्तों। ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।